उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज अपने कार्यालय पर ध्वजारोपण किया। साथ ही इस मौके पर भारी तादाद में व्यापार मंडल के सभी सदस्य देखने को मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में ये झंडा फहराया गया। आपको बता दें, सभी ने तिरंगे को सल्यूट करा और साथ ही राष्ट्रगान गाया। इसके अलावा जो है देशभक्ति गीत भी जो है सुने गए और मैसेज दिया गया कि राष्ट्र के प्रति एकता बनाए रखें और देश की हर जो है समस्या से लड़ने के लिए, देश में होने वाली दिक्कतों से लड़ने के लिए जो है देश का साथ देंगे और साथ ही देश के तिरंगे को सल्यूट कर जो है गणतंत्र मनाया गया। आपको बता दें, रामपुर ज़िले में अब भारी तादाद में ये मैसेज दिया गया है। हर जगह स्कूल, कॉलेज और व्यापारियों ने भी जो है और डॉक्टरों ने भी इस जो है गणतंत्र में भाग लिया और अच्छा मैसेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूटी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सारे व्यापारियों भाइयों के साथ क्या मैसेज है आपका? आज 26 जनवरी पर हमारा 2023 पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस मिशन से, इस देशभक्ति की भावना से आज और जिस प्रकार से झंडा रोहण का आज राष्ट्रगान के साथ स्वागत किया गया है, अपना कर्तव्य सभी साथियों ने देशभक्ति की भावना के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आज ऐसे लोगों के अंदर खुशी है जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ा उत्सव हमारे भारत देश का हो। हमारा भाईचारा के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस भावना के साथ हमारी पूरी फौज समस्त कार्यकर्ता एकजुटता के साथ मैदान में है और हम सब ने संकल्प किया है कि हम अपने भारत देश को पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनाएंगे। अपने भारत देश को आर्थिक रूप से पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था में सबसे डेवलप्ड के रूप में घोषित करेंगे और इसी मिशन और प्रयास के साथ हमारे समस्त व्यापारी, उद्यमी और आम जनता एकजुट होकर के मैदान में डट पड़ी जाए। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों का ये संदेश रहेगा कि आपस में लड़ाई झगड़े में ना बैठकर, संप्रदाय में ना बैठकर, जाति वाद को छोड़कर, जाति भेदभाव को छोड़कर, आपस में किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव को छोड़कर एकजुटता के साथ कार्य करना है। हम सभी को अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखना है। अगर हम कहीं भी विवाद में उलझेंगे तो हमारा देश की प्रगति उससे रुकेगी। हमें अपने देश की प्रगति नहीं रोकना है, देश को आगे बढ़ाना है। हमारा समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि देशभक्ति की भावना के साथ एकजुटता से आगे बढ़े, अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करें और अपने भारत देश को मजबूत करें। सभी देश, हमारे पूरे भारत देश के समस्त देशवासियों को, व्यापारी भाइयों को, उद्यमियों को इस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक